भैया अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है आपको अपने मोबाइल के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को और फोटो सिग्नेचर्स को अपने फॉर्म के अंदर अपलोड करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपने अभी तक नेवी का रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट ही नहीं किया है तो आप हमारी रजिस्ट्रेशन की वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। उस वीडियो में हमने कंप्लीट प्रोसेस बताई है कि कैसे आप अपना नेवी का रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। अब आते हैं आज की वीडियो पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को और अपनी फोटो और सिग्नेचर्स को अपने मोबाइल में लेकर आएंगे, उसके बाद कैसे उनको रिसाइज करना है और कैसे आप नेवी के रजिस्ट्रेशन में और नेवी के फॉर्म में उनको अपलोड करेंगे। तो कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहें। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दी हुई सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके रेड कलर से ग्रे कलर में बदल दीजिए, और साथ ही घंटी के आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम ज्वाइन इंडियन नेवी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अभी हम एजुकेशन पर्टिकुलर्स के ऑप्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम 12th क्लास से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसलिए हमने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन टाइप में 12th साइंस डाल दिया है। अब सबसे पहले हमें 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है, और अगर आप नीचे आएंगे तो आपको डिटेल्स ऑफ 10th क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको 10th क्लास की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर उस पर मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है तो आप दोनों में एक ही मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर केवल मार्कशीट लिखा हुआ है और उसका सर्टिफिकेट अलग से आया है तो आपको एक में मार्कशीट अपलोड करनी है और दूसरे में सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और अगर आप 10th या 12th में परसेंट वाई में देखेंगे तो यहाँ पर मार्क्स और CGPA का ऑप्शन है। अगर हम CGPA पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कन्वर्जन सर्टिफिकेट मांगा गया है हमसे, जो कि आपको स्कूल से प्रोवाइड कराया जाएगा। आप अपने स्कूल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले 12th की मार्कशीट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है ओनली PDF विद साइज 1 MB अलाउड। तो यहाँ पर आपको केवल PDF फॉर्मेट में मार्कशीट को अपलोड करना है जिसका साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट में एक ही मार्कशीट को अपलोड करेंगे क्योंकि हमारे पास डमी मार्कशीट है। तो उसी डमी मार्कशीट से मैं आपको मार्कशीट को मोबाइल में लेकर आने की प्रोसेस, उसको रिसाइज करने की प्रोसेस और उसके बाद मार्कशीट को PDF में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस मैं उसी डमी मार्कशीट से आपको बता दूंगा। तो आप उसी तरीके से अपनी बाकी मार्कशीट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 12th की मार्कशीट सबसे पहले अपलोड करते हैं। दोस्तों मार्कशीट को मोबाइल में लेकर आने के लिए हम सबसे पहले फास्ट स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फास्ट स्कैनर ओपन हो गया है। अब नीचे दिए हुए कैमरे के आइकन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारे सामने वाली मार्कशीट है, इसकी फोटो क्लिक कर लेंगे। मार्कशीट की फोटो क्लिक करने के बाद ये जो स्क्रीन पर आपको ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं इनको मार्कशीट की बॉर्डर पर लगाना है। सभी ग्रीन डॉट्स को मार्कशीट के बॉर्डर पर लगाने के बाद ऊपर दिए हुए राइट के निशान पर क्लिक कर देंगे। अब हमारी मार्कशीट क्रॉप हो चुकी है। नीचे दिए हुए कलर्स पर क्लिक करके आप मार्कशीट का कलर एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप मार्कशीट का कलर एडजस्ट कर लें तो उसके बाद ऊपर दिए हुए राइट के निशान पर क्लिक कर दें। अब हमें अपनी डॉक्यूमेंट का नाम डालना है, तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट ही रहने दूंगा। ओके पर क्लिक कर देंगे। हमारी मार्कशीट फास्ट स्कैनर में आ चुकी है। अब इसे मोबाइल में सेव करने के लिए सबसे पहले मार्कशीट पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। अब हमारी मार्कशीट गैलरी में सेव हो चुकी है। सबसे पहले देखते हैं इसका साइज कितना है। आप देख सकते हैं ये हमारी मार्कशीट है, इसकी डिटेल्स चेक करेंगे। यहाँ पर इसका साइज 496 KB है, जो कि परफेक्ट है। हमें फॉर्म में अपलोड करने के लिए इसका साइज 1 MB से कम चाहिए था। अगर आपकी मार्कशीट का साइज 1 MB से ज्यादा होता है तो आप उसको कैसे रिसाइज करेंगे उसकी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। मार्कशीट को रिसाइज करने के लिए आप इमेज कंप्रेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ओपन कर लेंगे। अब कंप्रेस पर क्लिक करके अपनी मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी मार्कशीट सिलेक्ट कर ली है, नीचे इसका साइज भी लिख कर आ रहा है। अब नीचे बाई साइज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आप मार्कशीट का साइज रखना चाहते हैं उसको यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मैं 300 KB रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 300 KB डाल दूंगा। अब नीचे कंप्रेस दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं अब हमारी मार्कशीट का साइज 229 KB हो चुका है। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए सेव पर क्लिक कर देंगे। हमारी मार्कशीट गैलरी में सेव हो चुकी है। अब गैलरी में जाकर इसका साइज चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी मार्कशीट है, डिटेल्स चेक करते हैं इसकी। यहाँ पर इसका साइज 229 KB दिया हुआ है, जो कि अभी हमें इमेज कंप्रेसर में भी शो हो रहा था। अब हमें अपनी मार्कशीट को PDF में कन्वर्ट करना है। मार्कशीट को PDF में कन्वर्ट करने के लिए हम JPG टू PDF कन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे। इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सोर्स फाइल, नो फाइल चूजन। इसमें आपको फाइल्स पर क्लिक करके अपनी मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं 400 KB वाली मार्कशीट को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि उसका साइज ऑलरेडी 1 MB से कम है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक फाइल सिलेक्ट कर ली है। यहाँ लिखा हुआ है सोर्स फाइल्स में 1 इमेज फाइल। अब नीचे पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। अगर आप अपने पेज को पोर्ट्रेट मोड में रखना चाहते हैं तो आप पोर्ट्रेट पर क्लिक कर देंगे, और अगर आप अपने पेज को लैंडस्केप मोड में करना चाहते हैं तो आप लैंडस्केप पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी मार्कशीट का साइज ज्यादा होता है तो आप इमेज कंप्रेशन का यूज करके इसको कम भी कर सकते हैं। आपको बस इसको ऑन करना है। मैं इसको ऑफ ही रहने दूंगा। और अगर आप अपनी PDF में पासवर्ड डालना चाहते हैं तो नीचे पासवर्ड प्रोटेक्शन को ऑन करके अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। अब ऊपर की सभी डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद नीचे कन्वर्ट टू PDF का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी PDF ओपन हो रही है, इसको ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी मार्कशीट PDF में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। हमारी मार्कशीट हमारे मोबाइल में सेव हो चुकी है। आप एक बार ऊपर इसका नाम भी देख लीजिए, इसका नाम 2022040 करके है। यही नाम हमारे फाइल मैनेजर में भी मार्कशीट का शो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर दिया हुआ है 2022040। तो ये हमारी मार्कशीट की PDF वर्जन है। नीचे इसका साइज भी दिया हुआ है 497 KB, तो इसका साइज 1 MB से कम भी है। अब हम इसको फॉर्म के अंदर अपलोड करेंगे।
करेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमें 12th मार्कशीट में अपनी मार्कशीट को अपलोड करना है, तो इसमें ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा फाइल मैनेजर ओपन हो चुका है। अगर आपके फाइल मैनेजर में ऊपर रिसेंट लिख करना है तो आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आप रिसेंट पर क्लिक कर देंगे तो आपके में ऊपर रिसेंट लिख कर आने लगेगा। अब यहाँ पर आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी मार्कशीट सिलेक्ट कर ली है। अब हम नीचे जाएंगे, अब हमें 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पर अपनी डमी मार्कशीट को ही अपलोड कर दूंगा क्योंकि डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वह सेम है। तो आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट को इसी तरीके से अपलोड कर सकते हैं जैसे हमने डमी मार्कशीट को अपलोड करके दिखाया है। तो मैं यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करूंगा और अपनी मार्कशीट को सिलेक्ट कर लूंगा। पासिंग सर्टिफिकेट में भी मैं उसी मार्कशीट को अपलोड करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट में भी हमारी मार्कशीट अपलोड हो चुकी है। अब हम नीचे जाएंगे, अब यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है जो कि ब्लैंक बॉक्स में फिल करना है, तो सबसे पहले कैप्चा को रिफ्रेश कर देते हैं। अब जो नया कैप्चा आया है उसको ब्लैंक बॉक्स में फिल करेंगे। कैप्चा को ब्लैंक बॉक्स में फिल करने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ रहा है योर एजुकेशन प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हमारी सभी मार्कशीट रजिस्ट्रेशन के अंदर अपलोड हो चुकी है और अभी हम कम्युनिकेशन पर्टिकुलर्स के ऑप्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने एड्रेस की सभी डिटेल्स को फिल कर दिया है। अब हम नीचे जाएंगे, इसमें हम नीचे डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, उसके बाद नीचे सिग्नेचर्स अपलोड करने हैं और लास्ट में यहाँ पर स्टेट रेजिडेंस प्रूफ डोमिसाइल को अपलोड करना है। तो सबसे पहले इनके नीचे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे। फोटोग्राफ के नीचे यहाँ पर दिया हुआ है ओनली जेपीजी जेपीजी एंड पीएनजी विद साइज 100KB अलाउड। तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है जिसका साइज 100KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे सिग्नेचर्स के लिए भी यही चीज दी हुई है कि सिग्नेचर जो आप अपलोड करें उसका भी साइज 100KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर डोमिसाइल के लिए दिया हुआ है ओनली पीडीएफ विद साइज 1MB अलाउड। तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपका वह पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज 1MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट में अपनी मार्कशीट को अपलोड करूंगा जो मैंने डमी मार्कशीट पहले आपको अपलोड करके दिखाई थी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने की प्रोसेस है यहाँ पर वह सेम है बिल्कुल। तो आप उसी तरीके से अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कन्वर्ट करके फॉर्म के अंदर अपलोड कर सकते हैं। अब हम अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स को सबसे पहले मोबाइल में लेकर आएंगे, उसको रिसाइज करेंगे और लास्ट में उसको फॉर्म के अंदर अपलोड करके आपको दिखाएंगे। फोटोग्राफ को मोबाइल में लेकर आने के लिए हम फास्ट स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी मार्कशीट ऑलरेडी सेव है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ को लेकर आने के लिए नीचे दिए हुए प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारी फोटो है, इसकी फोटो क्लिक कर लेंगे। फोटो क्लिक करने के बाद ये जो स्क्रीन पर आपको ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं इनको फोटो के बॉर्डर पर लगाना है। जब आप सभी ग्रीन डॉट्स को फोटो के बॉर्डर पर लगा दें तो उसके बाद ऊपर दिए हुए राइट के निशान पर क्लिक कर दें। अब हमारी फोटोग्राफ क्रॉप हो चुकी है। नीचे दिए हुए कलर्स पर क्लिक करके आप फोटो का कलर एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप फोटो का कलर एडजस्ट कर ले तो उसके बाद ऊपर दिए हुए राइट के निशान पर क्लिक कर दें। अब हमारी फोटोग्राफ भी फास्ट स्कैनर में आ चुकी है। सिग्नेचर्स को यहाँ पर लेकर आएंगे, तो उसके लिए नीचे दिए हुए प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सिग्नेचर्स हैं, इसकी फोटो क्लिक कर लेंगे। सिग्नेचर्स की फोटो क्लिक करने के बाद ये जो स्क्रीन पर आपको ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं इनकी मदद से सिग्नेचर्स के बगल में एक बॉक्स बना लेना है। जब आप सिग्नेचर्स के बगल में बॉक्स बना लें तो उसके बाद ऊपर दिए हुए राइट के निशान पर क्लिक कर दें। हमारे सिग्नेचर्स यहाँ पर क्रॉप हो चुके हैं। अब नीचे दिए हुए कलर्स पर क्लिक करके आप सिग्नेचर्स का कलर एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप सिग्नेचर्स का कलर एडजस्ट कर लें तो उसके बाद ऊपर दिए हुए राइट के निशान पर क्लिक कर दें। हमारी फोटो और सिग्नेचर्स फास्ट स्कैनर में आ चुके हैं। अब इनको गैलरी में सेव करने के लिए सबसे पहले फोटो पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। बैक जाएंगे, सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। हमारी फोटो और सिग्नेचर गैलरी में सेव हो चुकी है। अब हमें इनको रिसाइज करना है। फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए इमेज कंप्रेसर का इस्तेमाल करेंगे। इसको ओपन कर लेते हैं। अब कंप्रेस पर क्लिक करके अपनी फोटो और सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी फोटो और सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लिया है। इनका साइज भी नीचे शो हो रहा है। अब नीचे बाई साइज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर साइज में हमें 99KB डाल देना है क्योंकि हमें हमारी फोटो और सिग्नेचर 100KB से ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 99KB डाल दिया है। अब नीचे कंप्रेस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी फोटो का साइज 97.3KB हो गया है और सिग्नेचर का साइज 65.7KB हो गया है। अब इनको गैलरी में सेव करने के लिए नीचे दिए सेव पर क्लिक कर देंगे। हमारी फोटो और सिग्नेचर गैलरी में सेव हो चुकी है। अब हमें इनको फॉर्म के अंदर अपलोड करना है। अब हम दोबारा से अपने फॉर्म पर आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, तो फोटोग्राफ के नीचे ब्राउज का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब हम अपनी फोटोग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारी फोटोग्राफ सिलेक्ट हो गई है। अब नीचे सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो इसके लिए ब्राउज पर क्लिक करेंगे, अपने सिग्नेचर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे सिग्नेचर भी सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम डोमिसाइल में अपनी उसी डमी मार्कशीट को अपलोड करेंगे, तो इसके लिए ब्राउज पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारी डमी मार्कशीट है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी तीनों चीजें सिलेक्ट हो गई है। अब नीचे दिए हुए कैप्चा को ब्लैंक बॉक्स में फिल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले कैप्चा को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जो नया कैप्चा आया है उसको ब्लैंक बॉक्स में फिल करेंगे। कैप्चा को ब्लैंक बॉक्स में फिल करने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ रहा है योर कम्युनिकेशन प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस नेवी के रजिस्ट्रेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स को और अपने फोटो और सिग्नेचर्स को अपने मोबाइल से अपलोड करने की। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो से अगर आपको कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे काम की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।